हाय गाइस, वेलकम टू पेनी क्राफ्ट्स। आज हम इस MDF ट्रे को डिकोपेज करेंगे। मैंने इस ट्रे को एक लोकल वेंडर शॉप से परचेज किया था। इसको ट्रे को फर्स्ट कोट में जेसो या फिर वाइट एक्रेलिक पेंट से पेंट कर लेंगे। फिर अपने डिकोपेज शीट के कलर के मैचिंग के चॉक कलर्स लेंगे। मैंने यहाँ पे लाइट बीज कलर लिया है क्योंकि वो मेरी शीट से मैचिंग में है। मैं शीट को डिकोपेज ग्लू के मदद से यहाँ पे, आप फेविकॉल भी ले सकते हैं, आप स्टिक कर रही हूँ। और आप इंश्योर कीजिएगा कि इसके बीच में कोई भी एयर गैप ना रह जाए। आप एक ड्राई ब्रश की मदद से भी ये कर सकते हैं। जो बाकी के शीट के कॉर्नर्स थे वो मैंने यहाँ पे स्टिक कर दिए हैं। अब हम मॉड पॉज ग्लू लेकर इसके ऊपर को सील करेंगे जिससे ये सनप्रूफ एंड वाटरप्रूफ हो जाए। इसको पूरे इस तरीके से ट्रे पे स्प्रेड कर देंगे। अब मैं यहाँ पे एक स्पॉन्ज ले रही हूँ। उस स्पॉन्ज से थोड़ा सा चॉक कलर और लेकर इसके साइड्स को, एजेस को ब्लेंड कर देंगे कलर के साथ। यहाँ पे पिंक कलर लेकर इसके एजेस को थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने का ट्राई कर रहे हैं। आप कोई भी कलर ले लीजिए जो थीम के साथ जा रहा हो। मुझे यहाँ पे पीच कलर के साथ ये पिंक कलर बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो इसलिए मैंने ये चूज किया। इस ट्रे में एलिमेंट ऐड करने के लिए इसके हैंडल पे ये शेल्स को इस तरीके से प्लेस कर देंगे। आपके पास घर पे जो भी पड़ा हो उसको यूज कर सकते हैं। इसके साइड्स पे ये स्टेंसिल्स की हेल्प से हम थोड़ा सा डिज़ाइन ऐड करेंगे जो कि इस ट्रे के साथ परफेक्टली ब्लेंड होगा। ये स्टेंसिल्स भी एग्जीबिटी से परचेज किया है, वाइट टेक्सचर पेंट की मदद से, और कोई भी टूल ले सकते हैं आप। इसको प्रॉपरली ऐसे स्प्रेड करेंगे और आपका साइड्स रेडी हो जाएंगे। इसके दूसरे साइड्स पे मैंने ब्लू चॉक कलर लिया है। आप कोई भी कलर ले सकते हैं और इसको इस तरीके से फोम के हेल्प से ब्लेंड कर देंगे। हमारा ट्रे ऑलमोस्ट रेडी है। लास्ट स्टेप में हम वार्निश लेंगे और अपनी पूरी ट्रे को वार्निश की मदद से सील कर देंगे जिससे सन एंड वाटर इफेक्ट्स इस ट्रे पे कोई भी असर नहीं डाल पाएगा। हमारा ट्रे रेडी है।